Hi everyone, this is Prince Chobe. Welcome to Prefuture. आज मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ quadratic equations की, और ये class 10th के लिए है. और ये यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, total मैंने 10 से 12 questions लिया हुआ है. और ऐसे questions हैं जो कि exam में कई बार repeated हैं, इसके पहले exam में जितनी बार हुआ है. और इसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेसिक के लिए भी हैं, यानी आपको स्टार्टिंग से सब कुछ क्लियर होता चलेगा. ठीक है, मैं ऐसे उम्मीद करता हूं. और ये फर्स्ट पार्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का. इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगा. और अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए. चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है. राइट, ओके. फर्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. यहाँ हम क्या करेंगे, अगर देखा जाए ध्यान से, क्या फर्स्ट वाला है क्या. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे चेक करते हैं, जब वेरिएबल की जो डिग्री है ना, अगर वो 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. 3 है तो क्यूबिक बोलेंगे, 1 है तो लीनियर बोलेंगे. जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ तो वो किस फॉर्म में होता है, वो इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एन इक्वल्स टू 0. इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है. राइट, देखो यहाँ पे किसकी है, इसमें कह रहा है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमें ये बताना है कौन सा नहीं है. पहला वाला है क्या, बिल्कुल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये है. दूसरा वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे x की पावर कितनी आ रही, 3 आ रही, मतलब ये नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है नहीं है, यानी हमारा आंसर यही होने वाला है. सी वाला है क्या, बिल्कुल है, ये भी है हमारा. डी वाला ये भी है, बी वाला आंसर है, ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. नेक्स्ट आता हूँ, ओके. नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री, कितनी डिग्री होती है, मैंने बताया था अभी कितनी होती है, जहाँ क्वाड्रेटिक की बात आती है वहाँ कितनी होती है, 2 होती है. ये आंसर से क्यूबिक है तो 3, लीनियर है तो 1. द पॉलीनोमियल इक्वेशन एक्स और ब्रैकेट में कितना लिखा है, एक्स प्लस 1 प्लस 8 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये हमें सॉल्व करना है. क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स और ब्रैकेट में लिखा है एक्स प्लस 1, फिर लिखा है प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, और यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स माइनस 2. सॉल्व करते हैं इसका, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये क्या लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. ये कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ये इसे कैंसिल आउट, बचा कितना, एक्स प्लस 8 बचा यहाँ पे, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा माइनस 4 बचा, फाइनली क्या हुआ, एक्स प्लस 12 बराबर 0, ये बन रहा है. यहाँ वेरिएबल पावर कितनी, 1 है, यानी ये क्या हमारा लीनियर है. ओके, द इक्वेशन किस तरह का होगा, द इक्वेशन ये दिया हमारे पास, और किस तरह का, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सॉल्व कर लेते हैं, देखते ही लग रहा है ये क्या है, क्वाड्रेटिक है. कैसे, देखो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या बनता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर क्या बनेगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab यानी 4x आएगा, प्लस 1 दिया है यानी इक्वल्स टू कितना होगा, 2x माइनस 3 होगा. यहाँ पे क्या है, यानी फाइनली अगर देखा जाए तो कितना आया, एक्स स्क्वायर, ठीक. और ये क्या लिखा है हमारा,
माइनस फोर एक्स यहाँ पे है और ये कितना इधर आया, कितना सिक्स एक्स हुआ, और फोर प्लस वन फाइव इधर आया कितना प्लस एट, ठीक है ये हमारा बनना फिर यहां से कौन सा क्वालिटी हुआ। नेक्स्ट आते हैं द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट निकालना है, क्या लिखा है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो अगर इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें करता हूँ कितना आएगा माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर आएगा, क्या करेंगे इसको ब्रेक करेंगे, इसे कह सकते हैं माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स, यहाँ क्या माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है टू एक्स, यहाँ कितना बचा थ्री एक्स माइनस टू, यहाँ कितना है वन, यहाँ पे क्या थ्री एक्स माइनस टू प्लस टू जीरो, क्या आया टू एक्स प्लस वन, और क्या आया थ्री एक्स माइनस टू प्लस टू क्या आया जीरो आया। यहाँ से x की वैल्यू क्या है कि एक पर माइनस वन अपॉइंट टू आएगी, पर क्या आएगी टू अपॉइंट थ्री आएगी, ठीक है तो x की यहाँ पे दो वैल्यू आ गई। ठीक इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ मैं, क्या लिखा था सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर जीरो, क्या करेंगे अगर ये सिक्स का मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ कितना आता है माइनस ट्वेल्व आता है, इसको ब्रेक करो ये कह सकते हैं माइनस फोर थ्री, अब इसकी साइन चेंज करो फोर थ्री, इससे डिवाइड कर दो ये कितना आएगा टू अपॉन थ्री, ये कितना आएगा माइनस वन अपॉन टू, यानी ये शॉर्टकट तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। ठीक है आते हैं क्वेश्चन पे, इसका आंसर क्या हुआ सी वाला। नेक्स्ट आते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज रूट्स आर वन, ठीक है तो इसमें क्या करो एक्स के प्लेस पे वन पुट करो, और अगर एलएचएस बराबर क्या आता है आरएचएस आता है, हम क्या बोलेंगे वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें करेगा आई थिंक करेगा बी वाले, देखो यहाँ पे टू इंटू वन का स्क्वायर यानी टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो ये कितना आएगा टू आएगा, यहाँ पे माइनस टू आएगा इक्वल्स टू जीरो, ये इसे कटेगा जीरो बराबर जीरो, यानी क्या हुआ ये वाला ठीक हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज वन रेशनल रूट इज इतना, ठीक है तो बताना है कि कौन सा ये जो है इक्वेशन होगा उसका, तो एक काम करते हैं अगर देखा जाए तो अगर अल्फा की वैल्यू क्या दिया है, दिया है अल्फा की वैल्यू थ्री प्लस रूट टू, तो बीटा कितना होगा उल्टा थ्री माइनस रूट टू, ठीक है तो अगर यहाँ से ये चीज़ें बन पा रही हैं हमसे क्या बोला है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा थ्री प्लस रूट टू, और इसमें प्लस करना है कितना थ्री माइनस रूट टू कितना आएगा, ये इसे कटेगा तो ये कितना आएगा सिक्स आएगा, ये क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी अगर यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ रही है वन आ रही है, अगर अल्फा इंटू बीटा निकालता हूँ क्या बनेगा थ्री प्लस रूट टू, और यहाँ बनेगा थ्री माइनस रूट टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या निकल के आएगा नाइन माइनस टू बराबर सेवन, ये क्या होता है सी अपॉन ए होता है अपॉन वन मान लेते हैं, यहाँ से एक बात समझ आ गई कि ए की वैल्यू वन आ रही है बी की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस सिक्स आ रही है, सी की वैल्यू कितनी आ रही है सेवन आ रही है, तो क्या बन के आएगा यही बनता है ना, बनता क्या है यही बनता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बनता है बराबर जीरो, ए की वैल्यू कितनी वन यानी वन एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस सिक्स है स्क्वायर सेवन बराबर जीरो, यानी ये हमारा बनना चाहिए है क्या किसी ने, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन डी वाला।
the equation has two equal roots, then the value of k, okay, कैसे निकालते हैं? जब रूट इक्वल होता है तो क्या करते हैं? यही करते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो लिखते हैं. बी की वैल्यू कितनी? के है. ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू टू है. इंटू सी की वैल्यू कितनी है? थ्री है बराबर जीरो. कितना है के एक्स? एक मिनट, कितना आया इसको मैं यहाँ के एक्स स्क्वायर माइनस फोर टू जा एट थ्री जा ट्वेंटी फोर बराबर जीरो. के स्क्वायर बराबर ट्वेंटी फोर, यानी अगर के की वैल्यू देखा जाए कितनी आएगी? प्लस माइनस क्या होता है? जो होता है एट थ्री जा कितना आएगा? टू रूट सिक्स. द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होगा? इसका इसका रूट बताना है. तो क्या लिखा है पहले लिख लेते हैं, जो लिखा है पहले वो लिख लेते हैं. क्या लिखा है वहां पे? टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो. क्या लिखा था? टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स प्लस वन बराबर जीरो. इसका रूट बताना है ना, करते हैं. इसका मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना आएगा? टू एक्स स्क्वायर आएगा. एक काम करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा. कैसे ब्रेक करेंगे? टू एक्स स्क्वायर ऐसे कहोगे माइनस रूट टू एक्स माइनस रूट टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो. कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? रूट टू एक्स. यहाँ पे कितना बचेगा? रूट टू एक्स माइनस वन. यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? माइनस वन. यहाँ कितना बचेगा? रूट टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो. क्या बन के आएगा? रूट टू एक्स माइनस वन. और यहाँ पे क्या है? रूट टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो. यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? वन अपॉन रूट टू वन अपॉन रूट टू. कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा ये वाला सही होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कितना होगा? कैसे निकालते हैं सम? कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए. बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? माइनस नाइन ऑलरेडी है तो प्लस नाइन बन जाएगी. ए कितना है? थ्री है. कटेगा इससे, थ्री आएगा. यानी आंसर क्या होगा? ए वन. यहाँ देखो, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इतना, देन वैल्यू ऑफ इतना निकालना है. तो ठीक है, निकालते हैं. वन अल्फा प्लस वन बीटा. फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए. बी की वैल्यू कितनी? थ्री थी तो माइनस थ्री हो जाएगा. इसकी कितनी है? फोर है. यानी हमारा ये आंसर का पहला वाला. इसके बाद देखो, इफ द रूट ऑफ द रूट्स ऑफ द इतना इसका आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन. तो एक काम देन जो है बताना है कि पी की वैल्यू कितनी होगी. एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं. पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. क्या लिखा था? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस टू प्लस टू बराबर क्या है? जीरो. तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है ना कि रूट्स है वो क्या है? रेसिप्रोकल ईच अदर का. तो यहाँ क्या करेंगे? कह सकते हैं कि अल्फा बराबर बीटा. यहाँ से क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा बराबर वन. और अल्फा बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? सी अपॉन ए होता है. तो सी की वैल्यू कितनी है? टू है.
ए की वैल्यू कितनी है, पी है, अल्फा बीटा बराबर हमारा ये तो मिल ही रहा है। यहाँ से क्या मिला, यहाँ से क्या मिला, टू अपॉन पी बराबर पी की वैल्यू क्या है, टू। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये बात क्लियर हुई। ठीक है, बस इतना ही था आज की क्लास में, बाकी मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँगा फिर। प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।